नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में कोल व्यवसायियों के ठिकानों पर छापा चल रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियां ये छापेमारी कर रही हैं, वहीं अनिल गोयल के ठिकाने पर ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ही दीपक पोदार के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि धनबाद के धनसार, गोविंदपुर, निरसा इलाके में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि धनबाद के कोल व्यवसायियों के ठिकाने पर छापा चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां ये छापेमारी कर रही हैं। अनिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं दीपक पोदार के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि धनबाद के धनसार, गोविंदपुर, निरसा इलाके में छापेमारी की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार धनबाद से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, धनबाद में कोल व्यवसायियों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी की जा रही है और अब आगे और भी कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? काजल, बता दें कि आज सुबह में कोयलांचल धनबाद की जो शुरुआत हुई है वह ईडी और आईटी की संयुक्त कार्रवाई से शुरू हुई है। ये दोनों ही केंद्रीय एजेंसियां कोयलांचल धनबाद के कारोबारी दीपक पोदार, अनिल गोयल और बताया जा रहा है कि सुरेश अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है और उनके जितने भी प्रतिष्ठान हैं जिसमें होटल शामिल है, हार्डकोक प्लांट शामिल है और भी जो शोरूम शामिल है, इन तमाम जगहों पर, घर और दफ्तर के साथ साथ इन तमाम जगहों पर ईडी की रेड जो है सुबह से शुरू हुई है और टीम जो है केंद्रीय जो बल है उसके साथ पहुंची हुई है और अंदर से बंद कर लिया गया है, इससे जिसकी वजह से बाहर का से अंदर जाने की इजाजत मीडिया कर्मियों को भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि ईडी को अब तक क्या क्या चीजें बरामद करने में सफलता मिली है और किन किन कागजातों को उन्होंने जब्त किया है। बहरहाल जो कार्यवाही है वह अभी सुबह सुबह शुरू हुई है और संभव है कि आज दिन भर यह कार्रवाई चलेगी और उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि किन किन चीजों पर को जब्त करने में ईडी को सफलता मिली है और क्या कुछ कागजात उन्हें मिले हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद से कोयला कारोबारियों में हड़कंप है और कल जिस तरह से रामगढ़ में एक जाने माने कोयला कारोबारी के यहाँ छापेमारी हुई थी, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, तो इसको इसके बाद में ही यह लग गया था कि अब धनबाद कोयलांचल में भी जो कोयला कारोबारी हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं पूर्व में विवादों में रहा है उन पर भविष्य में यह कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी और यह आज ही देखने को मिल रही है। तो ये जो छापेमारी है और कहाँ कहाँ पर चल रही है ये इन चीजों को भी हम लोग पता करने में लगे हुए हैं, जिसमें फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें हरिहरपुर थाना क्षेत्र में रिलायबल हार्डकोक है उसमें हो रही है। इसके अलावा गोविंदपुर थाना क्षेत्र का इंडस्ट्रियल इंजीनियर, क्षमा करेंगे, जेएमकेयूएल लिमिटेड जो कि दीपक पोदार का बताया जाता है, उसमें छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा एक भद्रकाली हार्डकोक है वो जंगलपुर क्षेत्र में, वो भी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें भी चल रही है। निरसा थाना क्षेत्र में तितुलिया कोक प्लांट है वहां चल रही है, श्याम ट्रेडर्स है वहां पर रेट की बात सामने आ रही है, एक होटल है वेडलॉक ग्रीन यहाँ पर भी रेट चल रही है। तो ये तमाम जगह हैं जहां पर कि अभी ईडी की रेट चल रही है। इसके अलावा उनके धनसार स्थित आवास पर भी चल रही है और मटकुरिया स्थित आवास पर जो अनिल गोयल का जो आवास है वहां पर यह छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। ये तमाम चीजें जो है फिलहाल जारी है और जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम अपने दर्शकों को तुरंत इससे अपडेट कराएंगे। जी काजल जी, राजकुमार, जैसा कि धनबाद के नए एसएसपी आने के बाद लगातार कोल व्यवसायियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कोल व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही धनबाद के नए एसएसपी हरदीप सिंह जनार्दन ने यहाँ पर कार्यभार संभाला तो कोयले की जो अवैध कारोबार थे वो पूरी तरह से पूर्ण विराम उसमें लग गए। बालू के अवैध कारोबार पर भी पूर्ण विराम लगाने की कोशिश चल रही है, कई कारोबारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और कईयों की कागजातों की जांच चल रही है। कुछ दिन पहले अनिल गोयल और दीपक पोदार के भट्ठों पर भी पहुंची थी पुलिस की टीम और उनके भी कागजातों को खंगालने का
काम शुरू किया गया था। हालांकि केंद्रीय एजेंसियां अपने स्तर से काम करती हैं और राज्य की जो एजेंसियां हैं या फिर जो उसकी जो अपनी एसीबी या अन्य जो टीमें हैं वो अपने स्तर से काम करती हैं। इसका खनन विभाग है वो कागजातों की जांच पड़ताल करती है, तो इस सबका अपना अपना दायरा है। फिलहाल यह जो रेड है वो केंद्रीय एजेंसियों की रेड है, तो इसमें अलग तरीके से छानबीन की जाएगी और आय से अधिक संपत्ति से लेकर के वो तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा जो कि आईटी के दायरे में आ सकता था या फिर जिसमें भ्रष्टाचार की बू टीम को लगेगी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी काजल जी, राजकुमार, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।